हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। मैं इस वीडियो में इंडिया और जापान के रिलेशनशिप के बारे में बात करूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बेसिक इन्फॉर्मेशन शुरू करूँगा जापान के। हम लोग जानते हैं जापान का कैपिटल टोक्यो है, ठीक है। एक जापान एक आइलैंड कंट्री है जो कि मेरी टाइम बॉर्डर शेयर करता है अलग अलग कंट्री से, लाइक रशिया से शेयर करता है, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया से, चाइना से शेयर करता है, फिलीपींस से शेयर करता है, अदर अदर कंट्रीज से शेयर करता है। और देखिए टोटल एरिया जो है जापान का तो है 3,77,975 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। अगर हम लोग चाइना के जीडीपी में, सॉरी जापान की जीडीपी की बात करें तो वो है लगभग 4.235 ट्रिलियन डॉलर की है इकॉनमी जापान की। और एचडीआई की बात करते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करें तो 0.925 वेरी हाई वहाँ की जीडीपी, सॉरी एसडीआई। जापान की करेंसी है जापानीज करेंसी ईएन। और देखा जाए तो मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी कौन सा है जापान में, तो टोक्यो है, ठीक है, एरिया वाइज देखा जाए तो। अब शुरू करते हैं लोग जापान और इंडिया का रिलेशनशिप कैसा है। एक तो कल्चरल रिलेशनशिप बात करेंगे, पॉलिटिकल रिलेशनशिप के बारे में बात करा जाए, फिर उसके बाद इकोनॉमिक एंड कमर्शियल कॉपरेशन के बारे में बात किया जाएगा। और इंडिया के लिए जापान कैसे स्ट्रेटजिकली इंपॉर्टेंट है, जापान के लिए इंडिया कैसे स्ट्रेटजिकली इंपॉर्टेंट है उस पर बात करेंगे हम लोग। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड कल्चरल कॉपरेशन, ये सब मुद्दे पर बात करेंगे हम लोग। सिंपल शुरुआत करते हैं हम लोग यहाँ से कल्चरल से। कल्चर से शुरुआत करते हैं तो लॉर्ड बुद्धिज्म, लॉर्ड बुद्धा की वजह से जापान इंडिया का एक कल्चरल संबंध इस्टेब्लिश करता है। और इंडिपेंडेंस से पहले काफ़ी इंडियन की प्रोमिनेंट इंडियन लीडर्स जो थे, लाइक सुभाष चंद्र बोस जी, जेआरडी टाटा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, रविन्द्रनाथ टैगोर, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जी, एंड जज राधा विनोद पाल जी, ये सब थे एक प्रोमिनेंट इंडियंस थे जो कि इंडिया जापान से काफ़ी अच्छे संबंध इस्टेब्लिश किए थे अपना। अगर आप लोग जापान कभी विजिट करने जाएंगे तो आप सुभाष चंद्र बोस के का स्टैचू देख सकते हैं। और किस सिटी में है, प्रोविंस में, उसके बारे में मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन आप टोक्यो में हो सकता है, ओसाका में हो सकता है, ऐसा ही कुछ जगहों पे हो सकता है, आप देख सकते हैं। वहाँ पर सुभाष चंद्र बोस का एक म्यूज़ियम बनाया गया है और उनका पूरा सेटअप किया गया। अब हम लोग बात करते हैं 1903 से ही इंडिया का और जापान का फ्रेंडशिप एसोसिएशन सेटअप किया गया था। उसी समय से इंडिया और जापान का फ्रेंडशिप अधिक बढ़ने लगा था। और अब हम लोग बात करते हैं पॉलिटिकल रिलेशन की बात करते हैं। अब देखा जाए तो इंडिया और जापान है, वहाँ के दोनों के प्रधानमंत्री, दोनों देश के प्रधानमंत्री होते हैं। तो जापान के प्रधानमंत्री इंडिया विजिट कर फ्रिक्वेंटली विजिट करते थे, करते आ रहे हैं आजकल भी, आज समय, आज के समय भी। और इंडियन प्रधानमंत्री जापान भी विजिट करते रहते हैं, तो इससे क्या होता है, पॉलिटिकल रिलेशनशिप इस्टेब्लिश होता है दोनों कंट्री के बीच। अब लोग बात करते हैं जब इंडिया में पॉलिटिकल एक सिचुएशन आया था, क्राइसिस आया था, जब इकोनॉमिक क्राइसिस बोल सकते हैं या बैलेंस ऑफ क्राइसिस बोल सकते हैं उसको, 1991 में, उसमें जापान उन देशों में से था जिसने इंडिया को बैलेंस ऑफ क्राइसिस से बाहर निकाला था। बोल सकते हैं उसने, जापान वॉज दी अमोंगेस्ट द फ्यू कंट्री दैट अनकंडीशनली बेल्ड इंडिया आउट ऑफ बैलेंस ऑफ क्राइसिस। अब हम लोग आते हैं 21st, अब आते हैं 21st सेंचुरी में, आज की सेंचुरी में। तो देखा जाए जापान इंडिया ग्लोबल पार्टनरशिप लॉन्च किया गया, जापान इंडिया ग्लोबल पार्टनरशिप। इसमें जॉइंट स्टेटमेंट साइन बाय पीएम मनमोहन सिंह एंड शिंजो आबे इन 2006, और एक और जॉइंट स्टेटमेंट साइन किया गया था प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के द्वारा और शिंजो आबे, उस समय के प्रधानमंत्री द्वारा छः में उनके बीच में। इसका न्यूज और देखा जाए तो इंडिया के साथ कई तरह के न्यू चैलेंजेस आते रहे। एक कम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन किया गया था, BTN जिसको बोल सकते हैं हम लोग, जापान और इंडिया के बीच में 2011 में सरकार की गवर्नमेंट आई, तो उस समय के उसमें और बोल सकते हैं कि अपग्रेडेशन हुआ इंडिया और जापान के रिलेशनशिप में। एक स्कीम चलाई गई थी कम्प्रहेंसिव इंडिया जापान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पार्टनरशिप, जिसमें ये किया गया था कि जापान जापानीज गवर्नमेंट ने 3.5 जापानीज येन इन्वेस्ट किया था इंडिया में। इसका मुख्य उद्देश्य यह था कि जापान की जो जितनी भी कंपनियां, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं इंडिया में, उनकी 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 संख्या डबल करने का काम किया गया, करने वाले थे, किया गया। और वो भी किस साल, कितने दिनों में, 5 साल के अंदर उसको डबल करने का, डबलिंग ऑफ द नंबर ऑफ जापानीज कंपनी इन इंडिया ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर, इसका मुख्य उद्देश्य यह था।
प्रधानमंत्री आबे जो थे, शिंजो आबे, जो इंडिया विजिट किए थे, 10वां एनुअल समिट हुआ था उस समय। इसमें क्या हुआ था कि लगभग 10 MOU साइन किया गया था, एग्रीमेंट साइन किया गया था दोनों कंट्री के बीच में। इसमें क्या था कि इंडिया ने एक अनाउंस किया कि जितने भी जैपनीज लोग हैं इंडिया विजिट करने आते हैं तो वीज़ा ऑन अराइवल उनको मिल सकता है, और प्लस यहाँ तक कि बिजनेस करने के लिए भी आ रहे हैं उनको भी वीज़ा ऑन अराइवल दिया जाएगा। ये इसको लागू कर किया गया था 1 मार्च 2016 से लागू कर दिया गया था। फिर प्रधानमंत्री मोदी भी विजिट किए थे जापान में 11वें एनुअल समिट में जो 2016 में हुआ था। इसमें भी 10 MOU या 10 एग्रीमेंट साइन किए गए थे। उसमें क्या इसका मुख्य इसमें क्या क्या कदम उठाए गए थे, पीसफुल यूज़ ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, मैन्युफैक्चरिंग स्किल ट्रांसफर प्रोग्राम, आउटर स्पेस के बारे में स्टडी करने के लिए, मरीन के बारे में, अर्थ को स्टडी करने के लिए, एटमॉस्फेरिक साइंस के लिए, टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, फूड रिलेटेड इंडस्ट्रीज, ट्रांसपोर्ट, अर्बन डेवलपमेंट एंड टेक्सटाइल, कल्चरल एक्सचेंज, स्पोर्ट, इन सब फील्ड में जो 11वां समिट हुआ था, जो एक एनुअल समिट जो 11वां वाला हुआ था 2016 में, ये साइन किया गया था, जो इंडियन प्रधानमंत्री जापान विजिट करते गए थे। बात करते हैं 12th एनुअल समिट जो हुआ था 2016-17 में, उसमें प्रधानमंत्री आबे जो शिंजो आबे हैं जापान के, वो विजिट गए थे इंडिया। इसमें क्या गया अहमदाबाद में, इसमें मुख्य कदम ये उठाया गया था, मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट को का इनोग्रेशन किया गया था, इनोग्रेशन सेरेमनी हुआ था इस समय। फिर और इसका 15 MOU या एग्रीमेंट साइन किए गए थे इसमें भी। इसमें क्या कहता, एक तो कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए, इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देना, सिविल एविएशन को लेकर, जैपनीज लैंग्वेज ट्रेनिंग इंडिया में, डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड स्पोर्ट के बारे में बात किया था। और भी कुछ कुछ हम लोग पोलिटिकल सिचुएशन में देखा जाए तो 2+2 डायलॉग भी इनकी फॉरेन मिनिस्टर के बीच में चलता रहा काफ़ी, इकोनॉमिक को लेकर, कमर्शियल, फाइनेंस, सर्विस, हेल्थ, रोड ट्रांसपोर्ट, शिपिंग एंड एजुकेशन, इन सब फील्ड में 2+2 डायलॉग भी होते रहे जापानीज फॉरेन मिनिस्टर के द्वारा और इंडियन फॉरेन मिनिस्टर के बीच में। बात करते हैं इकोनॉमिक एंड कमर्शियल कॉपरेशन की, बात करते हैं। देखिए जापान इंडिया में इंटरेस्ट इसलिए ले रहा है क्योंकि इंडिया एक बड़ा मार्केट है, यहाँ की पॉपुलेशन अधिक है, बड़ा मार्केट मिलेगा इंडिया, प्लस यहाँ पे चीफ लेबर की कमी नहीं है, इसलिए इंडिया जापान एज अ रिसोर्स देख रहा है इंडिया को। तो इसलिए इकोनॉमिक एंड कमर्शियल कॉपरेशन में जापान और इंडिया का एक संबंध अच्छा उभर के आता है। इसी को देखते हुए 2 अगस्त 2011 में CEPA केपा करके एक एग्रीमेंट शुरू किया गया था इंडिया और जापान के बीच में। उसका फुल नेम हम लोग इस तरह बोल सकते हैं, इंडिया जापान कंप्रेहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, जो कि अगस्त 2011 को इस्टेब्लिश किया गया था। इसका मुख्य कार्य ये था कि ट्रेड ऑफ गुड एंड सर्विसेज, आसानी से गुड एंड सर्विसेज का ट्रेड हो सके, नेचुरल रिसोर्सेज का कम से कम यूटिलाइज किया जाए, एक उसका आदान प्रदान हो, मूवमेंट ऑफ नेचुरल पर्सन, मतलब कि किसी समस्या ना हो मूवमेंट करने में किसी को, इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के लिए, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स और कस्टम प्रोसीजर और अदर ट्रेड रिलेटेड इश्यूज को हैंडल करने के लिए इस एग्रीमेंट को इस्टेब्लिश किया गया था अगस्त 2011 में। और इंडिया और जापान के बीच में जो भी प्रोडक्ट का आदान प्रदान हो रहा है उसको देखते हुए इसमें टैरिफ को रिड्यूस करने का काम किया गया था कंप्रेहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट के जरिए, लाइक ओवर 94%, ये भी ध्यान रखने का। देखा है तो 1958 से ही जापान इंडिया को बायलेटरल लोन और ग्रांट असिस्टेंस प्रोवाइड करते आ रहा है, आज भी करता आ रहा है, और इसको बोल इट इज़ अ लार्जेस्ट बायलेटरल डोनर फॉर इंडिया, ये लार्जेस्ट बायलेटरल डोनर है इंडिया के लिए। जापान ने एक और शुरुआत किया था ODA करके, ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए इंडिया को। इसमें क्या था, इसका काम था कि एक्सेलरेट द इकोनॉमिक डेवलपमेंट और एरिया लाइक पावर सेक्टर में, ट्रांसपोर्ट सेक्टर में, इन्वायरमेंट प्रोजेक्ट को लेकर, और प्रोजेक्ट रिलेटेड टू बेसिक ह्यूमन डेवलपमेंट नीड्स, मतलब जितने भी बेसिक ह्यूमन डेवलपमेंट के नीड्स में जो भी प्रोजेक्ट यूजफुल है उसको डेवलपमेंट करने के लिए ODA ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस प्रोवाइड शुरू किया था जापान ने इंडिया के। इसमें क्या क्या था देखते हैं उसके बारे में, एक तो अहमदाबाद मुंबई हाई स्पीड रेल के बारे में था, वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रिज कॉरिडोर जो अब बन के तैयार हो गया है, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट
दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हो गया, और 12 न्यू इंडस्ट्रियल टाउनशिप बनाने की बात चल रही थी उस ये था, फिर से चेन्नई मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, ये चीज़ें जो थी कि हम लोग ODA ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस के जरिए इंडिया जापान ने इंडिया को प्रोवाइड किया था असिस्टेंस, और दिल्ली मेट्रो प्रोजेक्ट रिलेटेड टू विद जापानीज असिस्टेंस। और देखा दिल्ली मेट्रो प्रोजेक्ट है वो भी रिलाई करती है जापान के असिस्टेंस पे ही, ये भी ध्यान है। फाइनेंशियल ईयर 2016-17 में इंडिया और जापान का ट्रेड जो था वो ब्रिज कर गया था 13.61 बिलियन US डॉलर का, 13.61 बिलियन US डॉलर का तक रीच कर गया था। और 2015-16 में वही घट गया। अगर देखा जाए तो ट्रेड इंडिया और जापान के बीच में, तो इंडिया साइड से क्या क्या चीज़ें जो जापान को जाती है उसकी बात करते हैं। पेट्रोलियम प्रोडक्ट हो गया, केमिकल एलिमेंट्स, कंपाउंड, नॉन मेटेलिक मिनरल्स हो गए, फिश एंड फिश प्रोडक्ट हो गया, क्लोथिंग एंड एसेसरीज हो गई, आयरन स्टील प्रोडक्ट्स, टेक्सटाइल एंड फैब्रिक हो गया, मशीनरीज, ये सब इंडियन साइड से जाती थी। और जापान साइड से बात करें मशीनरी, ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट, आयरन स्टील्स, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स और ऑर्गेनिक केमिकल्स हो गया, मशीन्स, टूल्स एक्सेट्रा जो है इन जापान से इंडिया को आता था। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिलेशनशिप की बात करते हैं तो इंडिया का देखा जाए तो 1985 से ही इन सब चीज़ों में इंडिया और जापान के बीच में संबंध इस्टेब्लिश होने लगे थे। अब हम लोग बात करते हैं एक शुरुआत किया गया था 1993 में इंडिया जापान साइंस काउंसिल, जो सपोर्ट किया था 250 प्रोजेक्ट्स को इंडिया में, ठीक है। और एक और इससे भी कई और प्रोजेक्ट शुरू किए गए थे, जैसे DST हो गया, डेवलपमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी, JSPS जापान सोसाइटी फॉर प्रमोशन ऑफ साइंस, JST जापान साइंस एंड टेक्नोलॉजी एजेंसी, MEX नेक्स्ट मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कल्चरल स्पोर्ट एंड साइंस एंड ट्रेड, नेक्स्ट मतलब स्कॉलरशिप प्रोवाइड करने का भी काम करता है इंडियन स्टूडेंट को जो जापान में स्टडी करना चाहते हैं। इस नेक्स्ट में क्या होता है कि आप सिंपली आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, एक एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा, अगर उसमें पास हो जाते हैं तो आपको एडमिशन मिल जाएगा वहाँ पे, और उसको वहाँ के जापानीज गवर्नमेंट वहाँ पर आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड करें, लेकिन एक शर्त है कि आपको जापान लैंग्वेज आनी ही चाहिए बेसिक से भी अधिक, ये बात होती है। कौन कौन सा एरिया था जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इंडिया का संबंध इस्टेब्लिश करता है जापान के साथ, तो आउटर स्पेस को स्टडी करने के लिए, लाइफ साइंस को रिलेटेड, बायोटेक्नोलॉजी, मटेरियल साइंस, हेल्थ केयर, अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी मतलब और कोई सोर्स एनर्जी का ढूंढने के लिए, रोबोटिक एंड अर्थ साइंस, ये चीज़ें हैं जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इंडिया का संबंध जापान से इस्टेब्लिश करता है, और जापान इंडिया को हेल्प करता है इन फील्ड में। लगभग 1993 में भी बात किया था 250 प्रोजेक्ट्स पे इंडिया को हेल्प किया था जापान ने 250 प्रोजेक्ट्स। अगर हम लोग कल्चरल में और इंक्लूड किया जाए तो जापान एशिया यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम इन साइंस इस्टेब्लिश किया गया था इंडियन स्टूडेंट्स के लिए, जो कि लगभग 650 स्टूडेंट जो जापान स्टडी करने के लिए भेजे गए थे या उसके बारे में अधिक जानकारी के लिए गए थे, जापान के कल्चर के बारे में, साइंस और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड रिसर्च करने के लिए वहाँ पर गए थे। और इसको हम लोगों से साकुरा एक्सचेंज प्रोग्राम भी इसका नाम है साकुरा एक्सचेंज प्रोग्राम। ये चीज़ें थी जापान और इंडिया के रिलेशनशिप के बारे में बात की हमने बात किया एक कल्चरल रिलेशनशिप, पॉलिटिकल रिलेशनशिप, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से क्षेत्र में ट्रेड का कैसा संबंध है जापान के साथ, और यूथ से मतलब मिक्स्ड के बारे में बात किया हमने, जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कल्चरल साइंस स्पोर्ट एंड टेक से रिलेटेड है जो कि स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है और साइंस से रिलेटेड इंडिया में हेल्प करती है, ये चीज़ हम लोग अभी डिस्कस किए। अब हम लोग बात करते हैं इंडिया जापान इंडिया के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है। देखा जाए तो चाइना का इन्फ्लुएंस के वजह से जापान इंडिया के लिए इम्पोर्टेंट, जो है साउथ चाइना सी है उसमें जो है एक्टिविटीज़ जो है जापान की काफ़ी अधिक बढ़ गई है, उसको देखते हुए इंडिया जापान का रिलेशनशिप इस्टेब्लिश हुआ है। इंडियन ओशन में जापान का चाइना का इन्फ्लुएंस काफ़ी हद तक बढ़ गया है, छोटे छोटे देश हैं उनके साथ, तो उसको टेकल करने के लिए जापान के साथ इंडिया का एक संबंध आवश्यक रोल प्ले करता है। अगर ये नहीं होगा तो इंडिया और जापान का रिलेशनशिप चाइना पूरी तरह से इंडियन ओशन पे कवर कर लेगा और
और इंडिया और जापान देखते ही रह जाएंगे और कंट्री देखते ही रह जाएंगे। इसीलिए जापान एक स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है हम लोग के लिए, जैसे मंगोलिया जो नॉर्दर्न साइड में जब चाइना के, तो भी इम्पोर्टेंट हमारे लिए, इंडिया के लिए, और उस तरफ जापान भी हमारे लिए एक स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारे जो ट्रेड रूट्स हैं जो चाइना को जाते हैं सामान, चाहे ऑयल हो गया, चाहे कोई भी किसी भी प्रोडक्ट का ट्रेड होता है बड़े बड़े वाटर शिप से, तो इस इन्हीं रास्तों से जाता है चाइना को, साउथ चाइना सी से जापान के आसपास से होते हुए। तो उसको कंट्रोल करने के लिए और उसको टैकल करने के लिए अब इंडिया जापान का संबंध अच्छा रहेगा तो एक हम लोग उसको टैकल कर सकते हैं। ये है एक स्ट्रेटेजिकली इम्पॉर्टेंट, और भी पॉइंट हो सकते हैं इससे रिलेटेड में, उसको उसके बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है। अगर आप लोग को इसके बारे में कुछ जानकारी हो तो आप प्लीज़ कमेंट में बता सकते हैं कि इंडिया और जापान का रिलेशन क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग का राय मैं ज़रूर देखना चाहूँगा। धन्यवाद आप लोगों ने मेरा वीडियो देखा इतने देर तक। अगर आप लोग को अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक यू।